में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस यही मिले हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। देखिए बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा हाल हमारे इस प्रोग्राम में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है उसे हर किसी को मजबूर और बेबस कर दिया है। लोग डरे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रही है और ऊपर से कहा जा रहा है सब कुछ सामान्य है। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है, वायरस पर विजय पाने की है जंग, जलती चिताएं देखकर लोग हैं दंग। कैसे हराएंगे इस दुश्मन को इस समर में, सारी कोशिशें बेकार, उम्मीदें हैं अधर में। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है, घरों के दीप बुझते जा रहे हैं, हम अपनों को खोते जा रहे हैं। ना इलाज, ना अस्पताल, ना दवाई, आखिर कैसे जीती जाएगी ये लड़ाई। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है, किसी की कलाई सूनी हो गई, बुढ़ापे की लाठी भी खो गई, ममता का आंचल भी आंसू बहा रहा, मांग का सिंदूर मिटता जा रहा, बच्चों की किलकारियों में चीत्कार है, हर तरफ मातम, हर तरफ पुकार है, मुश्किल में ये संसार है, जिंदगी और मौत का हाहाकार है। ये सांसों का संग्राम है, हर तरफ मचा कोहराम है, ये सांसों का संग्राम है, ये सांसों का संग्राम है, ये सांसों का संग्राम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हेल्थ सिस्टम को आईना दिखाने का काम किया है। आलम यह है कि सांसें फंस रही हैं, क्या आम क्या खास, मौत हर किसी को आगोश में ले रही है और बीमारी से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। हे बाबा हमारी, मैडम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई है, ठीक नहीं हो रहा, कोई एडमिट नहीं ले रहा है, परेशान हो गए बाबा। इन आंखों में इंतजार है, यहाँ लंबा इंतजार है। अस्पतालों में लंबी कतार है, मरीजों की आफत में जान है। ये मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन लाइट बंद कर दी गई यहाँ पे। कोई रो रहा है, कोई खो रहा है, कोई पूरी रात जागकर इंतजार कर रहा है। कहीं मरीज ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया तो कहीं इलाज के लिए अस्पतालों ने मुंह मोड़ लिया। कोरोना काल में सिस्टम के सच आपने एक बार नहीं हजार बार देख लिए होंगे, लेकिन इस बार हुक्मरान से लेकर नुमाइंदे तक कसम खाए बैठे हैं कि ना आंसुओं से पिघलेंगे, ना लाशों की लाइन से। कोई मरता है तो मरता रहे, उन्हें क्या,
लोगों की परेशानियों से क्या। तड़प रही है, ऑक्सीजन नहीं है सर। 3,000 रुपए के इंजेक्शन लिए, 40,000 रुपए लिए इन्होंने सर। ये डॉक्टर नहीं है सर, ये कैसे आएंगे सर। 50 बार में गया, वर्दी में टहलता रहा, घूमता रहा, लेकिन एक भी नहीं पिघला, उसे पानी तक नहीं दिया। गाड़ी खोल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रहा। जब एम्बुलेंस मैंने 4 बजे से 8 बजे कितना बार फोन किया, अभी तक ना कुछ। हे विधायक जी, सांसद जी, हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे खाने बिना मर जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे बाबा। तुम्हें पक्का भरोसा है डॉक्टरों ने मारा है? हाँ, डॉक्टरों ने मारा है। जब हमारी माँ को देखा नहीं ध्यान से, तो कैसे मान ले कि हमने कैसे मारा, किसने मारा। कहानी केवल एक की नहीं है, एक अस्पताल की नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में प्राणवायु की किल्लत ने जाने कितनों की जान ले ली। रोज बस यही कहानी और बस यही कहानी। बस चेहरे बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, शहर बदल जाता है। साहब लोगों के साए में जीने वाली राजधानी हो या सुदूर के इलाके, सब जगह यही परेशानी है, यही कहानी है। राजधानी लखनऊ का बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है सिर्फ, जिसे कोविड के रूप में तब्दील किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से लगातार जो यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया। अब देखिए, नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि पहले शाम को, देर शाम ये लिखा गया था कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अपने पेशेंट की व्यवस्था आप खुद करें। उसके बाद दिखाया गया ऑक्सीजन यहाँ पर एकदम खत्म हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं था। तमाम अधिकारियों को फोन किया गया अस्पताल प्रशासन द्वारा, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से व्यापारी ने दम तोड़ दिया, तो लखनऊ में ऑक्सीजन खत्म की नोटिस लगा दी। बलिया में बुजुर्ग बस टकटकी लगाकर देखती रही कि शायद वो सिस्टम नजर आ जाए जो उसकी अटकती सांसों को वापस लौटा दे। ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर बोला है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। साहब ट्रेन आ गई, प्लेन आ गई, गुहार लगी तो सियासी हस्तियों ने मदद के हाथ भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन जिले जिले ऑक्सीजन की जंग जारी है। घंटे, मिनट और सेकंडों के हिसाब से हालात काबू किया जा रहा है, पर कुछ बदला नहीं है। ना आंखों में आंसू, ना प्लांट पर कतार, ना आधी रात का संकट और ना ही ऑक्सीजन का काल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ के लोहिया अस्पताल से जो नज़ारे आज सामने आए वो चौंकाने वाले हैं, और वो लखनऊ की तस्वीरों को बयां कर रहे हैं, वहां के हालात क्या हैं वो दिखाने के लिए काफी हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उतार दीजिए इन सारे बोर्ड को लखनऊ के हर चौराहे से, हर गली से फाड़ दीजिए सारे पोस्टर जिन पर ये शब्द लिखे हों, क्योंकि अब घबराइए कि आप लखनऊ में हैं, डरिए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि लखनऊ के हालात भयानक नहीं बल्कि खौफनाक हो चुके हैं, कातिल हो चुके हैं। न कोई सुनवाई है, न इलाज है, न एम्बुलेंस है, न दवाई है, न ऑक्सीजन है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में, सरकारी दावों में और सरकारी बातों में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई कमी नहीं है। अरे हुजूर, अगर कमी नहीं है तो ये नजारे क्यों हैं? वैसे तो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप चाहें तो कह दीजिए कि ये सारी तस्वीरें झूठी हैं, और अपनी पीठ
थपथपा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुरा कर लोगों के जख्मों को कुरेद कर उन पर नमक छिड़क दीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए, ऐसा न हो कि खून ये दामन पे आ लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। कोविड की वजह से मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है और केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनसे राहत नहीं मिल रही, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि शहर के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है। मेरे ठीक पीछे ये राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जो पहले अस्पताल था अब इसे मेडिकल कॉलेज के रूप में और काफी प्रतिष्ठित और बड़ा हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन हम अंदर चलेंगे और कोविड के बाद किस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम है, कितनी क्या किसी को ऑक्सीजन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब और ग्राउंड जीरो के साथ हम देने का आपको प्रयास करेंगे कि आप खुद हकीकत जानिए। हम किसी को डराने की या भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आपकी समस्याओं को सरकार तक दिखाने की और आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बुजुर्ग इंसान को देखिए जो ई रिक्शे के बाहर लटक लटक कर उम्मीद से देख रहा है कि शायद कोई उनकी सुन ले, लेकिन गूंगे बहरे सिस्टम से ये उम्मीद करना ही गलत है। बेंच पर बेसुध बैठी इस बुजुर्ग महिला को इंतजार है कोरोना रिपोर्ट का, लेकिन कब आएगी पता नहीं। सिस्टम को दोष मत दीजिए, क्योंकि सिस्टम सिस्टम से चलता है, किसी के आंसुओं को देख कर नहीं। फोन करती और बिलखती इस बेटी को देखिए जो ऑक्सीजन के लिए गुहारे कर रही है, लेकिन कोई क्यों उसकी सुनेगा, किसने कहा था कि ऑक्सीजन के लिए वो यहाँ आकर भटके। पिताजी को अपने ले आए हैं, यहाँ देख नहीं रहे हैं और इलाज करवाइए किसी तरीके से उनका। कब से खड़े हैं? यहाँ सवेरे 8 बजे से हम हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज देख रेख नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, न ऑक्सीजन है, न कुछ है, न बेड है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। आपने यहाँ लोगों से बात करी तो क्या बोल रहे? कोई सुन ही नहीं रहा, अभी आ रहे हैं बस और गायब हो जा रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कर रही हूँ जिनकी मदर को भी कोविड है, 85 इयर्स की, घर पे। फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है उनका, तो इसलिए हम कल से भटक रहे। एक तो ये इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है और उसके बाद जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके पास मिल भी रहा है तो वी आर नॉट श्योर इफ इट इज़ ओरिजिनल और नॉट, तो हमें बड़ी दिक्कत है। तो हमें कितने पेशेंट्स के लिए ये इंजेक्शन चाहिए आप ये बताइए, कि अगर हम इतने इंजेक्शन 20,000 रुपये के खरीदेंगे, 15,000 के, तो 1,20,000 एक, तो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? अरे हुजूर, कोई इंजेक्शन के लिए भटक रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, लेकिन आप इसी बात पर खुश हैं कि शनिवार और संडे को वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, नाइट कर्फ्यू कर दिया, कोरोना तो उत्तर प्रदेश में घुट घुट कर मर जाएगा। आपके यही दावे हैं जो जख्मों को कुरेद रहे हैं। आप कहते रहिए कि सब ठीक है, हम कहेंगे सब ठीक है। हम आपसे कहां सवाल कर सकते हैं, लोकतंत्र ऐसे ही जिंदाबाद रहेगा। लाशों के ढेर पर लखनऊ की शामें सुहानी होने का दावा मजाक है लोगों के साथ, लेकिन सही वही है जो आप कह दें, अच्छा वही है जो आप दिखाएं, क्योंकि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोलो रात है, ये सुबह सुबह की बात है। संसाधनों का जो सिस्टम का अभाव है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में अधिकारी जिस तरीके से सीएम को समझा रहे हैं वो सही रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आम जनता को इस पूरी परेशानी से रूबरू होना पड़ रहा है और अपनों की जान को खो करके इस दुख की घड़ी में उन्हें संतोष भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन जितिन वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मेरठ में आंकड़ों में बाजीगरी की जा रही है और ये बाजीगरी हर तरफ से की जा रही है। सरकारी कार्यशैली की इस लापरवाही से क्या कोरोना कम हो जाएगा? आखिर क्यों ये खेल हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यमराज के रिकॉर्ड को सरकारी चुनौती, मर रहे लोगों के आंकड़ों में हेरा फेरी, कोविड अस्पतालों में मौत, आंकड़ों में बाजीगरी, क्या लाशें छुपाने से चला जाएगा कोरोना? मेरठ में कोरोना की वजह से हो रही मौतों को सरकारी पर्दे में छुपाया जा रहा है। मेरठ के जयनगर में फैब्रिक्स कारोबारी राजेश गर्ग को कोरोना जैसे लक्षण थे और उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया। 27 अप्रैल की रात उन्हें मेरठ मेडिकल की कोविड इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, लेकिन सुबह होते होते उनकी सांसें टूट गई। राजेश की मौत के बाद परिवार वालों ने धरना दिया और हंगामा किया।
आरोप है कि अपने घर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के बाद भी अस्पताल कर्मचारियों ने मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाई। अस्पताल की 40 मिनट की देरी राजेश की जान पर भारी पड़ गई। डॉक्टर से बोला, जो वहाँ पे स्टाफ नर्स होती है, डॉक्टर नहीं थे, तो बोले है कि आपने जो करना है कर लो, हमारा काम, हमें पता है क्या करना है, आप आई हो। सिलेंडर नहीं लगाया। रात वाले से कहा, मैं कहा इसका भाई तुम लगा दो, मैं कहा मुझसे जो पैसे लेने तुम ले लेना, तो बोला कि मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरे वाला आ रहा है। 7:30 तक दूसरे वाला भी नहीं आया। इंजेक्शन लगवा दिया, दवाई दे दी, ऑक्सीजन हमारे पास थी, लगाने नहीं कोई आया। मैंने कहा जब डॉक्टर से कि आप इनको लगवा दो, बोले तुम्हें हमसे ज्यादा पता है, जिसका काम है वही करेगा। ऑक्सीजन तो मिल गई है, लेकिन जो सिक थे काफी, उन्होंने जो सिलेंडर बदलवा दिया तो ऑक्सीजन तो मिली गई ना, और वो काफी गंभीर थे अवस्था में आए थे। बाकी इसकी मैं और पूरी जांच कराऊंगा, जांच करने के बाद अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सवाल ये नहीं है कि मौत ऑक्सीजन की कमी से है या फिर इलाज में लापरवाही से। हर मौत के बाद एक स्पष्टीकरण दे करके लाश पर पर्दा डालने में मेरठ के ऑफिसर्स को महारत हासिल। कोविड से होने वाली मौतों में कोविड अस्पतालों की मौतों को ये कहकर नकार दिया जाता है कि अस्पताल ने रिकॉर्ड नहीं भेजा, और इस तरह कोविड से मरने वाले सरकारी आंकड़ों में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, जबकि जमीन पर दफन हो रहे या फिर शमशान में जलाई जा रही लाशों के आंकड़े पैरों तले जमीन खिसका देते हैं। 20 से 26 अप्रैल के बीच 114 मौतें, सरकारी आंकड़े में सिर्फ 19 मौतें, राज्य के आंकड़े में 24 लोग मरे। सूरजकुंड में बीते 7 दिनों में 171 शवों का अंतिम संस्कार, शहर के बाकी शमशान घाटों का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं इलाज में अनदेखी, कोविड मरीजों की मौतों का आंकड़ा बहुत तेजी से मेरठ में बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, यानी जमीनी हकीकत कुछ और है और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ऑल इज वेल है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। कोरोना काल में हर तरफ बेबसी है, हर तरफ लाचारी है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए मिल कहीं नहीं रहा है, और कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है। ऑक्सीजन के बिगैर बहुत परेशानी हो रही है, मुझे ऑक्सीजन का इंतजाम कराइए। मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन लाइट बंद कर दी गई है यहाँ पे। आंसुओं के शहर में जीना मुहाल है, हर तरफ आंसुओं का सैलाब है, हर तरफ चीख पुकार है, हर तरफ मातम का शोर है, हर कोई मजबूर है, हर कोई बेबस है, इंसानियत लाचार है, हम आप सब लाचार हैं। न जाने किसकी नजर लगी है कि हर कोई लाचार हो गया है। लगातार चिताएं जल रही हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बेबस हैं, लेकिन हल कोई नहीं। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को दवा, तो किसी को बेड। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी मची है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। किससे फरियाद करें लोग, किससे मिन्नतें करें लोग, किसके दर पर जाएं लोग, किससे उम्मीद करें लोग। जलती हुई चिताओं को देखकर मन में जो डर बैठ गया है, उसे दूर होने में सालों लग जाएंगे। ऑक्सीजन खत्म हो गया, बोला जा रहा है कि बोलो तो तुमको गोरखपुर रिफर कर दें, तो बोले वहाँ पे सर बेड खाली नहीं है, तो कह रहे तो जितना हमारे पास हो सकता है उतना ही करेंगे, उसके आगे हम नहीं जानते कुछ। और फिर और उसके बाद से बोल रहे हैं कि तुम लेके चले जाओ बाहर, बोले सर कहीं बेड नहीं खाली है तो कहाँ लेके जाए, तो बोल रहे हैं कि कहीं भी लेके जाओ, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ सर, समस्या ऑक्सीजन है ही नहीं सर, किसी वार्ड में चले जाए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर, हर वार्ड में ऑक्सीजन का टंकी खाली हुआ है। हमारे मरीज का स्थिति ये है सर, 45 चल रहा है सर ऑक्सीजन लेवल, इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहा है फिर रुक जा रहा है, अब से ऑक्सीजन खत्म हो गया उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं हॉस्पिटल में। 4-5 घंटे से कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लाइन आ रही थी ऑक्सीजन, वो भी टैंक जो आते थे वो भी अवेलेबल नहीं है,
जो सिलेंडर होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, सारे मतलब अफरा तफरी मच गई, सारा स्टाफ भाग गया। मरीज को कितनी दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये ना अधिकारियों को पता है ना अफसरों को पता है, कुछ नहीं पता कि पब्लिक हमारी क्या परेशान है, क्या कहे। हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे इनको, किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो खत्म हो गए। रात को एक दो बजे के आसपास मलखानी अस्पताल में हमने डॉक्टर्स वगैरह को वो किया, बात वगैरह की, सबने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने एम्बुलेंस वगैरह से बात की थी, एम्बुलेंस वालों ने मना कर दिया कि हम लेके नहीं जा सकते। और भी कई जगह बात की, सब लोगों ने मना कर दिया। मेरठ हो, शाहजहांपुर हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, हर शहर में कमोवेश यही स्थिति है, लेकिन हर कोई लाचार है, बेबस है। इंसान इतना लाचार शायद पहले कभी नहीं हुआ, अब तो शायद भगवान का ही सहारा है। ऑक्सीजन के बिगर शायद वही सब कुछ ठीक करेंगे। ऑक्सीजन का इंतजाम कराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी सब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। बनाए मनमोहन पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है, आलू में अचार, अरे इसमें तो दोनों है यार। कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। अंबर गोल्ड टीएमटी बार में है परफेक्ट रिब पैटर्न, जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड टीएमटी बार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। समृद्धि, योर प्रॉस्पेरिटी, ग्रैंड लाइफस्टाइल, कैसल फ्लोर लिविंग, रेरा रजिस्टर्ड। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जल जीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत।